दुनिया में सभी लोग अलग अलग क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है तो कोई मेंटली स्ट्रांग। अलग अलग क्वालिटी और रंग रूप के बावजूद भी लोगों को नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नॉर्मल मानना काफी मुश्किल हो जाता है। इनमें से कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से दूसरों से अलग छवि बनाई। तो चलिए आज आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो दुनिया से काफी अलग हैं। कुछ लोग तो इतने अलग हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, धन्यवाद। तो चलिए अब सबसे पहले नंबर 11 की बात करेंगे, जो है अपाज इलिव। आज के समय में ज्यादातर लोग 80 से 90 साल की उम्र तक पहुंचकर चलने के काबिल नहीं रहते, लेकिन रूस के रहने वाले अपाज इलिव 122 साल की उम्र में भी काफी एक्टिव रहते हैं। इन्हें देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि इनकी उम्र 122 साल है। अपाज का जन्म 1896 में हुआ था। ये 19वीं सदी के एकमात्र जीवित व्यक्ति थे। अपाज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इनकी उम्र अधिक होने के कारण वॉर में शामिल नहीं किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेना में जगह नहीं मिलने के कारण ये अपने गांव वापस आ गए और अपने गांव में ही रहने लगे। अपनी लंबी उम्र का राज पूछने पर अपाज बताते हैं कि उन्होंने कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया और ना ही कभी स्मोकिंग की है। बाजार के खानों से हमेशा दूर रहे और अपने गार्डन में उगाई गई सब्जियों को ही खाते थे। हर रोज एक 11 घंटे की नींद और खेती में एक्टिव रहने के कारण वो इतने सालों बाद भी जिंदा है। बर्थ रिकॉर्ड नहीं होने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल नहीं हो सका। मई 2019 में 123 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। नंबर 10 पर है बेनी हार्लेम। बेनी हार्लेम एक सिंगर, डांसर और आर्टिस्ट है, लेकिन इनकी पहचान सोशल मीडिया सेंसेशन के तौर पर ज्यादा है। ये अपने बालों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। बेनी अपने बालों को अलग अलग स्टाइल देने में माहिर है। बालों की यूनिक स्टाइल वाली इनकी फोटोज काफी वायरल भी होती हैं। इनके बालों की ऊंचाई 20.5 इंच है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनके नाम लेटेस्ट हाई टॉप फैट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। बेनी के साथ इनकी बेटी के बालों का भी स्टाइल चर्चा में रहता है और अक्सर दोनों साथ में देखे जाते हैं। इंस्टाग्राम पर बेनी के 500,000 से ज्यादा फॉलोअर है दोस्तों। नंबर 9, यू जियांजिया। शायद ही आपने किसी के आईलैश की लंबाई नॉर्मल से ज्यादा देखी होगी। नॉर्मल किसी भी इंसान के आईलैश की लंबाई नहीं बढ़ती है, लेकिन चीन की रहने वाली यू जियांजिया की बात अलग है। इनके आईलैश की लंबाई ना सिर्फ नॉर्मल से ज्यादा बल्कि काफी ज्यादा है। जियांजिया के आईलैशेस की लंबाई को देखते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इनके आईलैशेस की लंबाई 4.88 इंच है। नंबर 8, सरवन सिंह। दाढ़ी रखना मॉडर्न फैशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। भले ही दाढ़ी बढ़ाना फैशन का एक हिस्सा है, लेकिन श्रवण सिंह के लिए उनकी दाढ़ी ही सब कुछ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पहचान ही उनकी दाढ़ी से है। कनाडा के रहने वाले श्रवण सिंह की दाढ़ी सबसे लंबी है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। इनकी दाढ़ी की लंबाई 8.25 इंच है। 2011 के बाद से आज तक उनके नाम ये रिकॉर्ड कायम है। नंबर 7, चार्ल्स ऑसबोर्न। हिचकी फिल्म तो आपने देखी होगी, उसकी कहानी भी मालूम होगी। चार्ल्स की स्टोरी भी हिचकी फिल्म जैसी ही है। इनका जन्म 1894 अमेरिका में हुआ था। शुरुआत की जिंदगी में तो नॉर्मल रही, लेकिन जब इनकी उम्र 22 साल की थी तब उन्हें अचानक से हिचकी आना शुरू हुआ। शुरुआत में इन्हें हर मिनट 40 बार हिचकी आती थी, फिर धीरे धीरे कम होते हुए एक मिनट में 20 हिचकी आने लगी। चार्ल्स ने काफी इलाज कराया पर इनकी परेशानी खत्म नहीं हुई। हिचकी की प्रॉब्लम के बावजूद चार्ल्स नॉर्मल लाइफ जीते रहे और उन्होंने शादी भी की और बच्चे भी हुए। 22 साल की उम्र में शुरू हुई हिचकी 96 साल की उम्र में अचानक ही रुक गई। हिचकी रुकने के एक साल बाद 1991 में चार्ल्स की मौत हो गई। नंबर 6, चैनल टैपर। आपको भी कभी ना कभी अपनी जुबान से नाक को टच करने का चैलेंज जरूर मिला होगा। ऐसा करना हम में से ज्यादातर के लिए असंभव है, लेकिन चैनल टैपर को छोड़कर। चैनल टैपर कैलिफोर्निया के एक स्टूडेंट है। इनके जुबान की लंबाई नॉर्मल इंसानों के मुकाबले दुगनी है। लंबी जुबान के कारण चैनल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इनके जुबान की लंबाई
3.8 इंच है। चैनल को अपनी लंबी जुबान का कुछ साल पहले ही पता चला जब उनकी माँ हेलोवीन फोटो शूट कर रही थी। फोटो में अपनी जुबान को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जुबान की लंबाई दूसरों के मुकाबले काफी बड़ी है। नंबर 5, अनेटा कियालेक। अनेटा कियालेक दुनिया की सबसे मजबूत महिला है। अनेटा का जन्म 1982 में पोलैंड में हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने पावर लिफ्टिंग की शुरुआत की। करियर शुरू करने के बाद इन्होंने कई बार पोलिश चैंपियनशिप का खिताब जीता। साल 2000 में यूरोपियन चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया। पावर लिफ्टिंग में 500 ग्राम किलो वजन उठाने वाली अनेटा पहली महिला बनी। कुछ वजह से इन पर प्रतिबंध लगाया गया। 2002 में वापसी करने के बाद पावर लिफ्टिंग छोड़कर इन्होंने स्ट्रॉन्ग वुमन बनने का फैसला लिया और इसके लिए ट्रेनिंग शुरू की। एक साल बाद ही 2003 में यूरोप्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब जीता और फिर 2003 से 2008 तक 4 बार वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब अपने नाम किया। वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब सबसे ज्यादा बार अपने नाम करने वाली अनेटा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 4, एरिनी सीवेल। मैराथन दौड़ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मजबूत जूते हैं, लेकिन इरिनी सीवेल के लिए जूते का कोई मतलब नहीं। इरिनी जूते की जगह हाई हील्स पहनकर मैराथन दौड़ में हिस्सा लेती है। 2017 में 3 इंच ऊंची हील्स पहनकर इन्होंने लगभग 42 किलोमीटर लंबे 7 ब्रिजेस मैराथन इन टेनेसी को पूरा किया। हाई हील्स पहनकर मैराथन पूरी करने वाली इरिनी ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया। इरिनी ने बताया कि शुरुआत में वो हाई हील्स पहनकर 2 से 3 मील दौड़ा करती थी और फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई, जिस वजह से वो लंबे मैराथन को पूरा करने में सफल रही। नंबर 3, की अंडरवुड। की अंडरवुड को एक साथ 2 रेयर कंडीशन से जूझना पड़ रहा है। अंडरवुड को कैटाप्लेक्सी है। इस कंडीशन में उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। इमोशन चेंज होने के तुरंत बाद ही अंडरवुड का मसल्स पैरालाइज हो जाता है और वो गिर पड़ती है। गिरने के कुछ मिनट तक वो इसी सिचुएशन में रहती है। हंसने पर, गुस्सा होने पर, रोने पर, सरप्राइज मिलने या घबराने पर, कोई भी सिचुएशन हो, अंडरवुड उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती और इनका मसल्स पैरालाइज हो जाता है। इनके साथ दूसरी कंडीशन नरकोल्स भी है। इस कंडीशन में अंडरवुड सोने के बाद गिर पड़ती है। कैटाप्लेक्सी के कारण अंडरवुड एक दिन में लगभग 40 बार पैरालाइज होकर गिर जाती है। इनकी इस बीमारी की ना तो कोई वजह है और ना ही आज तक कोई इलाज मिल सका है। नंबर 2, सुप्तारा सासुफान। थाईलैंड की रहने वाली सुप्तारा सासुफान दूसरों के मुकाबले काफी अलग है। इनके पूरे चेहरे पर बाल है। जी हाँ, सुप्तारा अम्ब्रास सिंड्रोम नामक रेयर कंडीशन से पीड़ित है, जिस कारण उनके पूरे चेहरे पर बाल उगाए हैं। चेहरों पर बालों की वजह से उन्हें काफी परेशानी रहती है। परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। वर्ल्ड हेयरेस्ट गर्ल के तौर पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के 9 साल बाद उन्होंने अपने चेहरे से बाल रिमूव करवा लिए। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की, बिगेस्ट ईयर्स। इस फोटो को देखकर आप भी हैरान हो गए ना, ऐसा लगा जैसे कोई एलियन ही आ गया। लेकिन ये फोटो किसी एलियन की नहीं बल्कि इंसान की ही है। ये शख्स है मंगोलिया का। अपने कान की वजह से ये सुर्खियों में आया था। इसके कान का आकार सच में काफी बड़ा है। हालांकि इस शख्स के बारे में इंटरनेट पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपका इस शख्स के कान के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।